हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज सबसे पहले देखते हैं क्या हुआ मार्केट में, राइट? सो यस्टरडे की बात करें तो कल बेसिकली निफ्टी 235 पॉइंट डाउन था, राइट? एंड देखेंगे तो लास्ट ऑलमोस्ट 4 या 5 डेज से वी आर कंटिन्यूसली फॉलिंग, राइट? सो दैट्स अ गुड पैनिक अक्रॉस द मार्केट, राइट? बट लेट्स ट्राई टू यू नो थोड़ा ब्रॉड व्यू जाने की कोशिश करते हैं। मंथली अगर देखेंगे तो व्हाट आर द ट्रेंड यू आर सीइंग, राइट? 4 मंथ अप, देन वी आर सीइंग अ कंसोलिडेशन, राइट? मतलब एक ये मंथ नेगेटिव है, कितना नेगेटिव है, 3 पे का डाउन है। देन वीकली लेट्स ट्राई टू लुक एट, 4.5% हम डाउन है फ्रॉम लास्ट वीक, राइट, जो क्लोज हुआ है। सो जो 3 वीक का मूवमेंट था, मतलब लास्ट ऑलमोस्ट मोटा मोटी यू कैन से 2.5 वीक का, वो पूरा गेन हमने वाइप आउट किया है। सो फॉर मी व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट मी ट्राई टू डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये एक एरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो इसके नीचे चला गया एक बार, तो वो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जो हमने यहाँ पे भी देखा था, बट उसके बाद फॉलोअप सेलिंग कैसे आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दे वो इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा है कि उसके बाद एक पुल बैक भी आएगा या मार्केट एक कॉन्सोलेशन भी करेगा, एंड देन व्हाट इज द फॉलो अप सेलिंग? अगर मार्केट में वीकनेस सही में होगा तो वी विल सी द फॉलो अप सेलिंग, या सो आइडियली मुझे लगता है कि एक आध 2 दिन में वी विल सी बॉटम बाउंस। वो बाउंस यहां तक होगा और फिर सेलिंग आ जाएगा, या यहाँ पे जाएगा फिर पुल बैक आएगा एंड फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, वो टाइम बताएगा। बट वी आर रेडी फॉर बाउंस बैक, राइट? मे बी मंडे को एक बार ये लो को एक बार काटे और उसके बाद बाउंस बैक करे, या यहां से ही बाउंस बैक कर दे। सो प्रोबेबिलिटी इज एक दिन का और पैनिक विल सेट अ एग्रेसिव बाइंग राइट इनटू द मार्केट। सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी, यहाँ पे गैप डाउन हुआ बाजार, यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ, राइट? सो नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम। सो कल की बात करें, सबसे पहले कल हमने एक ये सिनेरियो प्ले किया था, यहाँ पे बायर्स डिफेंड कर सकते थे, एग्जैक्टली यहाँ पे बायर्स आए, फिर वहां से एक तेजी हुआ, जो प्रीवियस जहां पे हमने एक डिस्कस किया था कि यहाँ पे सेलर्स दिख सकते हैं, तो उससे थोड़ा ऊपर में गया और फिर उसके बाद सेलर्स आ गए वापस। सो एक ट्रेड यहाँ पे अच्छा सा मिला लॉन्ग का, इफ यू ट्रेड इट राइट नाउ फॉर टुमोरो। ये एक एरिया है जहां पे बायर्स दिख सकते हैं, 25,000 से 25,100 का एरिया है, फिर उसके ऊपर अगर देखें 25,350 से 400 का एक जोन है स्पॉट में। तो बेसिकली अगर यहाँ पे जाएगा तो फिर से हमें देखना पड़ेगा कि सेलर्स कितने अग्रेसिव होते हैं, फिर उसके बाद 25,530 और 570 का एक जोन है, देन उसके ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 700, मोटा मोटी 750 से 780 800 का जोन है। तो इसके ऊपर जाके अगर सस्टेन हो गया और फुल ब्रेकआउट आएगा तो दैट विल लीड्स टूवर्ड ऑल टाइम हाई। तो अब ये बाउंस बैक अपने को देखना है कि यहां तक आता है या यहां तक आता है या यहां तक जाता है। अगर मान लो इसके ऊपर जाके सस्टेन हो गया तो ये बाउंस बैक नहीं है, फिर ये ऑल टाइम हाई की नई और जर्नी शुरू हो जाएगी, या सो दीज आर द मल्टीपल एरियाज जहां पे अपने को ऑब्जर्व करना है। नाउ लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे डेली चार्ट, तो लेट्स ट्राई टू सी। सो लास्ट मैनी डेज से वी आर सीइंग कंटिन्यूअस सेलिंग, राइट? सो आइडियली वी आर एट द एरिया जहां पे वी कैन सी द बाउंस, राइट? बैंक निफ्टी में जहां पे बायर्स एक बार कोशिश कर सकते हैं बाउंस करने की, और फिर उसके बाद अगर बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं होगा तो वो अल्टीमेटली ये जो पुल बैक होगा वो फिर से सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। बट क्या अभी बता सकते हैं? नो, वी डोंट हैव, राइट? सो मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही कंसोलिडेशन हो रहा है। वीकली भी टाइम फ्रेम देखेंगे तो बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे जाके सस्टेन हो गया, राइट, मान लो ये जोन के, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बैंक निफ्टी का ट्रेंड खराब हो सकता है। तो ये जो रिसेंट लोज है 49,000 49,500 का जो, नाउ लेट्स लुक एट द डेली टाइम फ्रेम। डेली में ये जो गैप डाउन हुआ था पांच ऑलमोस्ट
6 सितंबर को इसके नीचे जाके सस्टेन नहीं होना चाहिए फॉर डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड चेंज होने के लिए। ये पुल बैक ठीक है, मतलब इफ पुल बैक इज कमिंग अप दैट्स फाइन राइट, बट ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था तो ये आइडियल सिनेरियो है कि यहां से बाउंस बैक हो सकता है बैंक निफ्टी में राइट। सो नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एग्जैक्टली बाइंग एरिया के आसपास ही है यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग एरिया। एक ये बाइंग एरिया था एग्रेसिव राइट, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्राइडे को एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी मिला है 51,650 प्रीवियस लो को काटा, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट का रैली हुआ, फिर वापस सेलिंग आ गया। नाउ फॉर टुमारो 51,650 एक जोन है, उसको क्रॉस कर दिया तो फिर ऊपर में 52,000 से 52,080 का जोन है, फिर उसके बाद 52,380 to 450 का एक एरिया है, देन 52,720 to 830 का एक एरिया है राइट, एंड उसके ऊपर 53,440 to 53,500 का एक एरिया है। सो ये मल्टीपल एरियाज है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल गया और फिर ब्रेकआउट आया तो वो ब्रेकआउट विल ब्रिंग अस अ तेजी राइट ऑल टाइम हाई के ऊपर। सो ये फाइनल एरिया है, अगर इसके ऊपर क्रॉस हो गया तो फिर मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाए। आइडियली द वन डे मोर पैनिक इफ इट कम्स राइट अक्रॉस द बोर्ड, सो दैट विल बी अ बाइंग एरिया फॉर शॉर्ट टर्म पैनिक। और फिर वो बाउंस बैक कितना जाता है वो अपने को इवेल्युएट करना है। वी शुड नॉट प्रेडिक्ट कि ये बाउंस बैक ऊपर ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाएगा, यहां से क्रैक डाउन हो जाएगा, जो भी है राइट। सो वी विल गिव ऑब्जर्व 100 मीटर अहेड राइट। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। या तो स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स, या तो स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पे भी एक सेलिंग देखने को मिला, बट जिस तरह से अगर आप सेलिंग देखे तो रिकवरी भी अच्छा हुआ था, देन उसके बाद जब निफ्टी और बैंक निफ्टी ने लोज काटे, स्मॉल कैप इंडेक्स ने अपना लो नहीं काटा है, सो दैट्स अ लिटिल बिट स्ट्रेंथ कंपेयर टू मार्केट। सो सेम द पिक्चर इज क्लियर, मंथली ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, वीकली भी अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है। डेली भी देखेंगे तो कोई ट्रेंड में के अंदर कोई चेंज नहीं है जब तक ये रिसेंट एरियाज को ब्रेकडाउन नहीं करता है बाजार। सो वो एरिया है 17,500 से 18,000 का जोन है राइट ये। सो अगर एक दिन और भी अगर स्मॉल कैप में यहाँ पे सेलिंग आता है तो दैट विल बी क्रिएटिंग अ शॉर्ट टर्म बॉटम अक्रॉस द मार्केट राइट, एक आध 2 दिन में। सो आइडियली कल आई थिंक यहाँ पे सेलिंग एक क्लाइमेक्स देखा था मेरे अकॉर्डिंगली, एक और अगर दिख गया तो वी हैव अ चांस टू बाउंस बैक राइट, और वो बाउंस बैक होगा या ऑल टाइम हाई के लिए नहीं रैली होगा दैट टाइम विल टेल राइट। सो एज ऑफ नाउ द ट्रेंड इज अप, उसमें कोई चेंज नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करके सस्टेन होगा, फिर पुल बैक होगा, फिर ब्रेक डाउन आएगा तो दैट विल लीड अस टू द ट्रेंड चेंज, जो लास्ट मार्च से हम यहाँ से रैली को राइड कर रहे हैं, तो वो फिर यहाँ पे जर्नी अगर क्रॉस करेगा तो फिर एंड होगा राइट। सो टिल देन आई थिंक कीप राइडिंग योर विनिंग पोजीशन, कीप मैनेजिंग योर रिस्क, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट मैनेजिंग रिस्क इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। सो थैंक यू सो मच, एंड आप सब लोगों से फिर कल नेक्स्ट वीक में मिलते हैं।